नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। YouTube चैनल आसान गृहस्थी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम के 5 बजे हैं, इसलिए बच्चों को कुछ भूख लगी है, इसलिए मैं इनके लिए थोड़े मीठे चिल्ले बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये मेरे पास गुड़ पड़ा था, तो इसकी गुड़ से बना रही हूँ। आप चीनी से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन ये गुड़ पड़ा था तो मेरे को ये यूज लेना है, तो इसलिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा गुड़ इसमें डाल रही हूँ। और ये आधा गिलास पानी डाल रही हूँ, ये इसमें डाल रही हूँ। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में और डाल लेंगे। अब इसको गर्म कर रही हूँ मैं, ताकि गुड़ हमारा पिघल जाए। अब ये हमारा गुड़ एकदम पिघल चुका है, इसको हम छान लेते हैं ताकि इसमें कोई तिनका उनके वो छिलने में निकल जाएंगे। इस तरह से गुड़ में तिनके जरूर आते हैं एक दो, इसलिए छान लिया इसको। अब इसको रख देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा कर देते हैं हम। अब ये हमारा गुड़ का पानी है, ये हमारा ठंडा हो चुका है। इसके अंदर ये हमारा ये कटोरी आटा लिया, थोड़ी खाली है, ये इसमें हम मिला लेते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे इस तरह से। अब आटे और गुड़ को अच्छे से हमने इसका घोल बना लिया है, इसमें एक भी गुठलिया नहीं है, जब कोई लम्स नहीं है, इसमें अच्छे से बन गया। और इसमें मैं थोड़ा सा ये तिल डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं करती हूँ गैस ऑन और इस पर रखती हूँ तवा। तवे को थोड़ा सा चिकना कर देते हैं इस तरह से। इसमें मैंने घी लगा दिया, थोड़ा चिकना कर दिया, इसको गर्म होने देते हैं। अब पानी डाल के चेक कर लेते हैं कि तवा हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इसका ये घोल डालते हैं तवे पे, इस कड़छी की सहायता से ऐसे इस तरह से। और इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देते हैं। और इसको गिरे आग से सेक लेंगे ऐसे। अब हमारा चिकन सीख चुका है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। इसके लिए हम इसके साइडों से थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे घी इस तरह से। इस पर आप घी भी लगा सकते हो और तेल भी लगा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो इस तरह से लगाएंगे। अब इसको धीरे धीरे हकर के हम ऐसे पलट देंगे इस तरह से। अब इसको धीरे आंच में दोबारा इसको सेक लेंगे इस तरह से। इसके चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ये लगा देंगे। अब ये हमारा चिल्ला सिक चुका है, ये जब ये ब्राउन ब्राउन होने लगे तो समझ लो कि हमारा चिल्ला सिक चुका है। और सीखने के बाद में ये एकदम से पलटा जाएगा ये, और जब तक ये सीखेगा नहीं तो ये पलटा नहीं जाएगा। और इसको दोस्तों हम लोहे के तुए पे भी बना सकते हैं और इसमें नॉन स्टिक पे भी, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास सुविधा हो वैसे बना लीजिए। ये देखो ये आराम से हमारा दोनों तरफ से ये सीख चुका है। अब इस ये चिल्ले हो गए हमारे तैयार। अब हम थोड़ी सी भेल बना लेते हैं। ये भेल का पैकेट ये मार्केट में ये मुरमुरे का अच्छे से मिल जाता है, आप कहीं कोई भी शॉप से आप ले सकते हो इसको। अब इसको मैं खोलती हूँ। इस तरह से हमने खोल लिए इसको। भेल हमें थोड़ी सी बनानी है, इसलिए ये इतनी है, ये इतनी भेल डाल ली है। और मीडियम आकार का एक प्याज काटा और उसमें एक हरी मिर्च काटी है, वो भी मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ। और एक मीडियम आकार का हमने टमाटर काटा, वो भी इसके अंदर मिक्स करती हूँ। ये सब इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब ये चम्मच की सहायता से इसको मिला लेती हूँ।
अब इसमें डालती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, वो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। और थोड़ा सा डालती हूँ नमक, नमक भी स्वाद के अनुसार ये डालिए। थोड़ा वापस कर दिया, थोड़े डालना मेरे को इसलिए। अब इनको मिक्स कर लीजिए इस तरह से, ये मिक्स हो गई। अब इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ी नमकीन, नमकीन आपको जितनी पसंद हो या ना हो, जैसे भी हो, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं, मैं डाल दी हूँ इसमें, इसलिए इसको ऐसे थोड़ा सा डाल दिया। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया इस तरह से। अब ये आधे नींबू का रस निकाल के रखा था मैंने, ये इसमें डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। हमारी भेल तैयार हो गई है, 2 मिनट में हमारी भेल तैयार हो गई है, ये इस तरह से। दोस्तों ये मैंने शाम का नाश्ता तैयार कर लिया है, इसमें 10 से 15 मिनट लगी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और एक ये घर का बना हुआ नाश्ते में स्वाद ही अलग होता है, और मार्केट से आप जाओगे तो 10-15 मिनट में तो आप मार्केट में पहुँचोगे, और फिर मार्केट वाला और इसमें फर्क भी होता है। घर का बना नाश्ता ये सस्ता भी होता है और स्वाद भी होता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।